सभी का सुपर फास्ट 100 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। श्योपुर में कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा था, कांग्रेस विधायक बाबूलाल चंडेल के बिगड़े बोल सामने आए और यहां पर प्रदर्शनकारियों को उकसावे की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आंदोलन करो, दुकानें चलाओ, तोड़फोड़ करो, अगर फिर भी कुछ नहीं हो तो फिर कुछ और भी करो, लोकतंत्र किसके लिए है। आपको बता दें कि कोतवाली के सामने मुकेश मीणा और उनके समर्थक एफआईआर के विरोध में धरना दे रहे थे। इस दौरान बाबूलाल जंडेल पहुंच गए और ये बयान वो देते हुए नजर आए, सुनिए क्या कह रहे हैं। मुकेश भाई आवाज उठा रहा, इसके बाद ये तो चेतन में बहुत ही जाता है और जो यहाँ कोतू कचाने वाले नेता आते हैं उनका भी पता चल जाएगा चेतन के अंदर। तो मेरा कहना है आप आ जाओ तो कुछ गलत बैठो, दुकान में जलाओ, थोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री होगा तो कुछ भी करो। अगर तो लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया फिर कलेक्टर इलेक्टर उसी, कोई मना नहीं है, पर अगर मेरी बात माने तो 19 तारीख को फिर मैं बैठो तो होना चाहिए। पैसा भी रहेगा, नशों का भी रहेगा, सरकार को भी घेरेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। अलसन क्या है वो देखेंगे। मुकेश भाई के साथ है और सब युवाओं के साथ है, ये कोई अपनी खेती जमीन जायदाद के नहीं लड़ रहा। दीपक दंडोतिया श्योपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। दीपक क्या कह रहे हैं बाबूलाल चंडे? बिल्कुल, जहां तक विधायक बाबू चंडेल की बात करें तो अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार भी उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने धरना देकर बैठे युवाओं से ये कहा है कि आप तोड़फोड़ करो, दुकानों को जलाओ, लोकतंत्र है, पटरियां उखाड़ो, जैसे राजस्थान में गुर्जर आंदोलन होते हैं तब पटरियां उखड़ती हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आगे इस तरह की रणनीति बनाएंगे, सरकार को घेरेंगे। तो ये इस तरह का बयान विधायक को नहीं देना चाहिए, जबकि होना ये चाहिए था कि वो समझाएं लोगों को, प्रदर्शन ना हो, शांतिपूर्वक अपनी बात रखी जाए, इस तरह की बात उनको कहनी चाहिए, लेकिन वो उल्टा भड़काने का काम एक तरह से कर रहे हैं। और अब ये वीडियो वायरल होने के बाद अब उनकी जो फिर से जो विवादित बयान की बात फिर से सामने आई है। और ठीक है, एक बार सुनवाते हैं फिर से कि क्या कुछ कहा है बाबूलाल जंडेल ने। मुकेश भाई आवाज उठा रहा, इसके बाद ये तो चेतन में बहुत ही जाता है और जो यहाँ कोतू कचाने वाले नेता आते हैं उनका भी पता चल जाएगा चेतन के अंदर। तो मेरा कहना है आप आ जाओ तो कुछ गलत बैठो, दुकान में जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री होगा तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया फिर कलेक्टर इलेक्टर उसी, कोई मना नहीं है, पर अगर मेरी बात माने तो 19 तारीख को फिर मैं अंसल बैठू। मिथुन अहिरवार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से और अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय सिंह यादव बीजेपी से, उनसे बात करते हैं। और अजय जी क्या कहेंगे इस पर, प्रतिक्रिया दीजिए आपकी। ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्यों मध्य प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, क्यों अराजकता फैलाना चाहते हैं, चाहे बाबू जंडेल हो, चाहे एक दिन पहले फूल सिंह भरैया हो जो पुलिस कर्मियों में घुसा भरने की बात कर रहे थे। यही कांग्रेस की मूल संस्कृति हो गई है, कांग्रेस पार्टी केवल अराजकता करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती है और कांग्रेस की इसी संस्कृति की वजह से प्रदेश की जनता इन्हें लगातार नकार रही है। और अगर कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि ये उनकी मूल संस्कृति नहीं है तो ऐसे विधायकों पर कार्रवाई करें और नजीर पेश करें, नहीं तो माना जाएगा कि कांग्रेस आला कमान का इस तरह के बयान देने वाले विधायकों को पूरा संरक्षण है। ठीक है, मिथुन जी क्या कहेंगे, बाबूलाल जंडेल क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए आप ही ने बताया, बाबूलाल जंडेल के ये जो बयान है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर क्या कार्रवाई इस पर के कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं, एक तरफ उनके पूर्व मंत्री अंचल सोनकर कहते हैं कि मैं थाने में घुसकर के पुलिस को मारता हूं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, दूसरी तरफ उनके विधायक इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो दंगा करना सिखाया जाता है, लोगों को मारना पीटना सिखाया जाता है, लोगों की प्रॉपर्टी लूट लो, लूट लो, ये सिखाया जाता है। राष्ट्रवाद की बातें और राष्ट्र लूट की हरकतें ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परिपाटी में शामिल कर लिया, इसलिए ऐसे बयान देने वाले लोगों का ये संरक्षण करते हैं। न केवल संरक्षण कहते हैं बल्कि पीछे से कहते हैं कि ऐसा ही बयान दो, जनता को भड़काओ, जनता के बीच दंगा कराओ, क्योंकि यदि जनता शांति से रहेगी तो भाजपा को वोट नहीं देगी। तो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाना चाहती है, इसलिए अपने नेताओं को खुला छोड़ रखा है। अभी भोपाल में इनके केबीवीपी का कार्यकर्ता बाबूलाल जंडेल साहब ने जो बयान दिया है इसके बारे में बात कर ले मिथुन जी, सुना आपने उनका बयान क्या?
देखिए आपके फोनों से बताया कि उन्होंने ये बयान दिया है कि इस तरीके की हरकतें करो, तो भाजपा को बताना चाहिए कि क्या यही भाजपा चाहती है या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने जा रही है। अच्छा जी, क्या कहेंगे? देखिए, यही मैंने बताया ना आपसे कि कांग्रेस पार्टी का मूल स्वरूप यही है। कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक देश में लड़ाई करवा के, अराजकता करवा के और तुष्टीकरण करके राजनीति करी और इनके विधायक के ऊपर जो कार्रवाई कर दी है वो नहीं कर रहे हैं, ये समर्थन आने में घुसते। अरे मिथुन जी, कांग्रेस जी, ये बाबूलाल गंडेल साहब कांग्रेस के विधायक हैं, बाबूलाल जंडेल साहब आप ही की पार्टी के विधायक हैं और बात इसी पर हो रही है। हमारी पार्टी के नेता कार्रवाई करेंगे या कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जो स्थिति बना दी है उसको लेकर के आप कार्रवाई की बात करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अगर अंचल सोनकर जी के कहने पर कि मैं थाने में घुसकर पुलिस को मारूंगा, कहां आप अंचल सोनकर पहुंच रहे हैं? मैं बाबूलाल जंडेल की बात कर रहा हूं, आप अंचल सोनकर पहुंचा रहे हैं। आपसे कोई आपत्ति है आपको? भाजपा के नेता ये बाबूलाल जंडेल को कुछ क्यों नहीं बोल रहे सर? मैं तो बोल रहा हूँ ना सर, कार्रवाई बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री कहाँ है? गृहमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कार्रवाई करे, आप बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री कार्रवाई करे। हाँ कर दे, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कार्रवाई करे, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। अजय जी, कार्रवाई होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता कब होगी कार्रवाई, ये बताइए आप तो। ऐसे अराजक तत्वों को, अरे कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये मामला संज्ञान में आया है, इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, अंचल सोनकर पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात ग्वालियर की करते हैं। ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश की गई है, कार सवार ने ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की है और हाथापाई में सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी। रोकने पर सिपाही को कुचलने की कोशिश की गई, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए जरा कि कैसे रुकने पर गाड़ी आगे बढ़ा दी जाती है, कुचलने की कोशिश, हाथापाई हुई और ट्रैफिक सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी गई। इस दौरान देखिए जरा, अब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज उस पर कर लिया गया है। देख सकते हैं आप, यहां पर चेकिंग चल रही थी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे, रोकने की कोशिश की गई और गाड़ी आगे बढ़ाता और चढ़ाता चला गया। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? और यहां पर पुलिस के ऊपर हमला किया, उसकी वर्दी भी फाड़ी गई और जान लेने की कोशिश की गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, इतना रौब या इतनी हिम्मत कहां से आई कि पुलिस कर्मी के ऊपर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हो रही? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इतनी दबंगई कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी सवाल थी और यही वजह कि पुलिस ने भी इस पर काउंटर अटैक करते हुए केस कायम किया और उसके बाद गिरफ्तारी भी कर ली। आपको इस मामले के बारे में तफसील से मैं बता दूं कि ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के बस स्टैंड तिराहे पर कल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक कार सवार कार से वहाँ आया, जिस कार पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी, लिहाजा ट्रैफिक सिपाहियों ने उस कार को रोका और उसी दौरान काली फिल्म चढ़ी होने के साथ ही जो कार चलाने वाला शख्स था उसने सीट बेल्ट भी नहीं बांध रखा था। यही वजह कि ट्रैफिक सिपाहियों ने और ट्रैफिक अधिकारियों ने इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना और काली फिल्म हटाने का निर्देश दिया, साथ ही चालानी कार्रवाई करने की बात कही। तो इसी दौरान जो कार सवार था, जिसका नाम सुमित यादव बताया जा रहा है, जो ग्वालियर के मेहरा गाँव का बताया जा रहा है, उसने न सिर्फ पुलिस अधिकारी जो ट्रैफिक के थे, सिपाही थे, उनके साथ बदसलूकी की। जब सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की तो फिर सिपाही रामदेव शर्मा की वर्दी उसने फाड़ दी। इसके बाद जब चालानी कार्रवाई की बात आई तो चालानी कार्रवाई से बचने के लिए वो कार लेकर भागने लगा। सिपाहियों ने ट्रैफिक के और अन्य जो लोग थे उन्होंने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन जो आरोपी था सुमित, उसने कार रोकने की बजाय कार को तेज़ी से लापरवाहीपूर्वक चलाया और उससे सिपाहियों को कुचलने की कोशिश की, एक तरह से जो घटनाक्रम सामने आया। निश्चित तौर पर उसके बाद आरोपी सिपाहियों को कुचलने की कोशिश करते हुए फरार हो गया था, लेकिन कार नंबर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में केस कायम किया और आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ जो है शासकीय कार्य में बाधा के साथ ही गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, इन दोनों धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज हुआ है, तो गिरफ्तारी के साथ ही अब उसे जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, और पहले पुलिस रोकती है, बातचीत होती है, काली फिल्म चढ़ी हुई थी, बेल्ट नहीं बांधा था सीट बेल्ट, कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन पीछे अचानक से कार को थोड़ा सा रिवर्स लेके और तेज गति से ये भगाता हुआ ये शख्स नजर आता है, और सुमित यादव इसका संभवतः नाम बताया जा रहा है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आरोपी गिरफ्तार।